हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ आलू की चिप्स शेयर कर रही हूँ। इसे हम बिना सुखाए झटपट बनाएंगे। आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। आज हम आलू की चिप्स बनाएंगे। आलू की चिप्स बनाने के लिए हमें इसका सुखाने का कोई झंझट नहीं है। बड़े साइज के आलू लेंगे और इसे हम आलू छीलर से छील लेंगे। आलू को हमने छील लिया है सबको। मैं यहाँ ले रही हूँ एक बाउल में पानी। इसमें मैंने आइस क्यूब डाल लिया है। पानी हमारा बहुत ठंडा होना चाहिए। आइस क्यूब नहीं है तो आप फ्रिज का पानी ले लीजिए, चिल पानी लीजिए। इसमें हम छिले हुए आलू को 15 मिनट के लिए रख देंगे कि इसका मॉइस्चर निकल जाए आलू का और चिप्स हमारी क्रिस्पी बने। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम आलू को बाहर निकाल लेंगे और एक साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे, इसे सुखा लेंगे। आलू को बिल्कुल सूखा कर लेना है हमें रगड़ के कपड़े से। अब हम चिप्स मेक कर लेंगे और इसमें से चिप्स निकालेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम सभी आलू के चिप्स निकाल लेते हैं। हमने सभी चिप्स निकाल ली है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसे हम कपड़े पे फैला के एक साफ कपड़े से रगड़ देंगे, थोड़ा और सुखा लेंगे। इस तरह से हम इसे रगड़ लेंगे, थोड़ा मॉइस्चर इसका और निकल जाएगा। ये देखिए, ये सूखी सूखी हो गई है। मैंने यहाँ एक छोटी चम्मच नमक लिया है। आप अगर उपवास में खा रहे हैं तो आप सेंधा नमक लीजिए, अगर वैसे ही खा रहे हैं तो आप कोई भी नमक ले सकते हैं। मैंने यहाँ रेगुलर नमक लिया है। इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे और नमक को मिक्स कर लेंगे। हमने गैस पर ऑयल रख लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, हमें लो फ्लेम पर ही रखना है। इसमें डालेंगे हम आलू की चिप्स। इसे हमें लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है क्रिस्पी होने तक। चिप्स के ऊपर जो हमने पानी मिक्स किया है नमक में, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। आप देख सकते हैं चिप्स का कलर चेंज होने लग गया है। ये देखिए, थोड़ी देर के लिए और हम फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ी क्रिस्पी नहीं हो जाती है। फिर से मिलाते हुए आप लो फ्लेम पर ही करें इसे, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगी। आप प्लीज वीडियो को लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हमारी चिप्स फ्राई हो गई है, हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सभी चिप्स को फ्राई करके निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमने सभी चिप्स को बाहर निकाल लिया है। आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है ये। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।